जो अपने आप उठ भी नहीं सकता था, ये देख लिया अपने आप चल रहा है आज। ये कितने साल के बाद में चले आज ऐसे अपने आप? 4 साल से। 4 साल के बाद में चले ऐसे अपने आप? हाँ। 4 साल हो गए थे, बिना सहारे नहीं चलता था। नहीं चलता। खुश है आप? शाबाश, लगाओ जोर। ये देखो भाई, सीने तक आने लगे। आने, सीने तक आने लगे। पहले यहाँ से नहीं उठता था, पहले लटक रहा था, यहीं तक रहता था, मालूम ही नहीं था हाथ है कि नहीं है। ये भी नहीं मालूम था हाथ है कि नहीं है। अब सिर में भी नहीं है, नहीं। गर्दन में भी नहीं है, नहीं। कंधे में भी नहीं है, पैर में नहीं है, पैर में भी नहीं है। पहली बार आए हो? हाँ जी। क्या मिनट लाई है? बस 5 मिनट भी नहीं लगे। 5 मिनट भी नहीं लगी? तो आप मानते हैं भाई सुनील जी को इतना कि मिस है? हाँ जी मानते हैं। बढ़िया, सिर बिल्कुल हल्का हो गया। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल खड़े हैं मिसार श्री श्याम एक्यूप्रेशर वैद्य सुनील जी गोयत के पास। और भाई आज शुक्रवार है, शुक्रवार को हिसार में बैठते हैं, शनिवार को बैठते हैं गांव कुंगड़ में, और कुंगड़ में फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर हिसार में 200 रुपये पर्ची। मैं सारी चीज़ बताऊँगा, आपने वीडियो को पूरी देखियो। आप जो फ़ोन पर पूछते हैं वो सारी बातें आज मैं बता देता हूँ आपको, नहीं तो वैद्य जी से पास फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और नहीं मेरे पास कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो को पूरा देखना। वैद्य यानी कि एक्यूप्रेशर से जो चीज़ें ठीक की जाती हैं, यहाँ पर घुटनों का दर्द, कमर दर्द, लकवा, स्पेशल लकवे के लिए, पैरालाइज के लिए बिल्कुल स्पेशलिस्ट हैं ये, चाहे कितना साल पुराना लकवा हो। और बहुत से सैकड़ों मरीज आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं कि जो स्ट्रेचर पर उठा के लाए थे, व्हील चेयर पर आए थे, अपने पैरों पर चल के गए हैं, और बहुत जल्दी राहत मिलती है। किस कैसे मिलती है, किस प्रकार करते हैं, ये आपके सामने है, ये मरीज आया हुआ है, इनसे ही बात करूँगा। और भी बहुत से बैठे हैं, जितने भी बैठे सारे से बात कराऊंगा आपकी मैं। शनिवार को कुंगड़ में बैठते हैं, वहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है। बाबा श्याम का मंदिर वगैरह निर्माण हो रहा है, उसकी कोई पर्ची कटवाए तो कटवा सकता है। संडे को बैठते हैं रोहतक में, दिल्ली रोड पर बस स्टैंड से थोड़ा हाथ चलते ही अर्बन होटल है, उसकी गली है, तो उस गली के अंदर बैठते हैं थोड़ा चलते ही। और सोमवार को छुट्टी होती है, मंगलवार को बैठते हैं नागलोई में, पिलर नंबर 414 मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने, महाराजा अग्रसेन वाली गली में, गली नंबर 1। और बुधवार को बैठते हैं अपने घर दिल्ली में, ये सेक्टर 21 रोहिणी। वीरवार को कैंप होता है, एक वीरवार को बैठते हैं जींद में, जाट धर्मशाला में। शुक्रवार को फिर सहारा जाते हैं। आपको यदि फ्री कैंप लगवाना है, फ्री में, कोई फीस नहीं होती है, यदि आपके पास 20-30-50 ऐसे मरीज हैं, यदि आप कैंप लगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, नीचे चल रही फ़ोन नंबरों पर। फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाया जाता है, कोई फीस नहीं ली जाती वहाँ पर, सिर्फ दवाइयों के पैसे लिए जाते हैं। तो अब बात करवा दी हूँ मरीज जाते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी। कहाँ से हो? मैं जोधपुर से हूँ लांबा साहब। जोधपुर से? हाँ जी। अच्छा, क्या तब समस्या है आपको? मेरे को लकवा हो गया जी 4 साल से। 4 साल से? हाँ जी। अच्छा। तो अभी यहाँ पहली बार आए हो? दूसरी बार आया हूँ साहब। पहले कब आए थे? पहले 4 महीना पहले आगे आया। 4 महीने पहले आया था? हाँ जी। अच्छा, उस दिन चेक करने आए थे कि भाई है कि नहीं, आप रहता है नहीं रहता है? 4 महीने पहले? हाँ जी। अच्छा, तो जब आप आए यहाँ पहली बार तो कुछ आराम लग गया? हाँ, उससे आराम लगा जी। आराम लग गया? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आज इसका दवाई भी दे दियो? जब ही तो वापस आया। हाँ, तो आज तो लंबे समय हो गया, गैप बहुत ज़्यादा हो गया आपको, हो सके तो 15 दिन में या 20 दिन में आने की कोशिश कराया करो, ताकि उठाओ, लगाओ जोर पूरा। आगे सुटा, बिल्कुल जाम हो रही है भाई, जर लग की नो कब्जे जाम हो जाएगा रन कुआड़ा के। हाँ, इस तरह हो रहे हैं। इतना उठा था यहाँ तक तो गया, पहले यहीं तक तो उठता था? नहीं होता था। नहीं होता था? नहीं। अब कितना जाने लगा? उठाओ, शाबाश, लगाओ जोर। ये देखो भाई, सीने तक आने लगे। आने, सीने तक आने लगे। पहले यहाँ से नहीं उठता था, पहले लटक रहा था, यहीं तक रहता था, मालूम ही नहीं था हाथ है कि नहीं है। ये भी नहीं मालूम था हाथ है कि नहीं है, पता चलने लग गया हाथ है। अब यूं नसें चलती है तो मालूम है कि हाथ है। अच्छा, लेट जाओ। तो देखिए भाई, यार पैर में भी ऐसा ही? हाँ, पैर में ऐसा ही है। अच्छा, ये आटी लगी रहती है क्या? सीधे करो, दिखा पैर को। ऐसे ऐसे तो ये मुड़ता नहीं बिल्कुल?
मुड़ता नहीं, उंगली मुड़ रही है ना इसकी, ये उंगली ऐसे मुड़ी हुई है, देखी भाई नीचे कैमरा मैन को कहूँगा इसका मैं देख लिया करे, इसके ऊपर का देखने ला जाए, इसे नीचे कर ले है। तो ये देखिए उंगलियां मुड़ी हुई है, उंगलियां सीधी हो जाएंगी। अभी एक्यूप्रेशर का एक कमाल दिखाऊंगा आपको मैं, कई ऐसे मरीज आए हैं जिनकी उंगलियां ऐसे मुड़ जाती है भाई बिल्कुल, और अभी इसके ऊपर लेट जा, हाँ। तो अभी देखिए लाइव दिखा रहा हूं आपको, हम किसी चीज की पुष्टि नहीं करते, हम तो सीधी बता देते, सीधी दिखाते हैं कितना आराम कितनी देर में होता है। और इसमें भाई कोई सीधी चालदी में भी झूठ लग गए तो भाई तारी मर्जी है, हम तो सीधी दिखावा। ये वैद्य सुनील गोयत्री जोधपुर से आया हुआ मरीज, ये टांग बांगी हो रही है बिल्कुल मुड़ती नहीं, उंगलियां मुड़ी हुई नीचे से ऐसे, और 4 साल से लकवे का मरीज है ये, और बिल्कुल हालत बिल्कुल खस्ता है, बहुत ही गरीब हालत में है ये। अभी देखते हैं, देखिए एक्यूप्रेशर किस तरीके से वैद्य जी करते हैं। आजा, हो जा खड़े अभी, गाबरू बना दिया, ये पैर का और कर दे थोड़ा, पैर का और कर दे थोड़ा, सीधा हो जाएगा। सीधा रख ले, सीधा बिल्कुल सीधा रख, पंजा रख, पंजा 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 सीधा, छोड़ दे इसको, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, कहीं नहीं जाएगा ये, कुछ नहीं होगा इसको, सीधा आराम से, जल्दबाजी ना कर, जल्दबाजी ना कर, ढीला छोड़ दे पैर को, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, आराम से चल, आराम से चल, ये देख ले भाई, छोड़ दे इस हाथ को, छोड़ दे, छोड़ दे इस हाथ को, कहीं नहीं जाएगा ये हाथ, हाँ चल इधर घूम, इधर घूम, आ जा वापिस, आ जा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, अब आ जा, वह मत मान, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, अरे चला दिया पैदल, आ जा, ये लो भाई, पंजा पंजा रख पहले, ऐसे सीधा करके, हाँ ऐसे सीधा करके रख, अब ये मुड़ेगा नहीं इधर, हाँ ये ले, ऐसे चल पड़ता था कि पहले अकेले, नहीं ऐसे नहीं चलता था, पहले नहीं चलता था, आज चल पड़ा ना, हाँ चल पड़ा, आज चल पड़ा भाई, देखिए ये इसको पकड़ के साथ में सहारा दे के चलाते थे, नहीं गिरेगा, आ जा बिल्कुल, ये देख लो भाई हाथ, सारा ना मत, सारा ना मतले, सारा मतले, हाँ नहीं गिरेगा, ये देख लो भाई, जो अपने आप उठ भी नहीं सकता था, ये देख लिया अपने आप चल रहा है आज, ये पहली बार ही मानो भाई, 4 महीने पहले आया था लेकिन आज आया है 4 महीने के बाद में, और ये अच्छा में वीडियो बनाने लग रही है, इसकी मिसी जब है घराली है इसकी। तो ये चेहरे पे खुशी है इनके, वीडियो भी इसी खुशी में बनाने लग रही है कि इसका कितने साल के बाद में चले आज ऐसे अपने आप, 4 साल से, 4 साल के बाद में चले ऐसे अपने आप, हाँ, हाँ, 4 साल हो गए थे बिना सहारे, नहीं चलता था, नहीं चलता, खुश है आप, है विश्वास, कुछ विश्वास है, जड़े तुम्हें, हम कह दे लोगों को भी ठीक होते हैं, हाँ ठीक होता है मरीज, होता है। तो ये देखिए कैसा लग रहा है आपको, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जी, और मैं तो सुनील जी के लिए एक कहना चाहता हूँ बात, मेरे सिर पर रख दो हाथ बाबा, ये कर दो उपकार, देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, इसलिए मेरे को कर दो बाप जी प्यार, चलो आपकी अर्जी बाबा श्याम के लग गई, हाँ बिल्कुल लग चुकी है, और ये अर्जी का ही कमाल है जो आप पहली बार में चल पड़े, हाँ बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, कुरीन के साथ ही हैं क्या, शाम की बहन हूँ, बहन हो, आपको भी समस्या है कि इनके साथ ही आए हैं, मैं इनके साथ ही आई, अच्छा अच्छा, अब तो देख लो चला दिया, ठीक लगे आपको, अगर मेरा भाई तैयार हो गया, ये गायक कलाकार है तैयार होगा तो आपके गुरु जी के ये फ्री भजन गाएगा, अच्छा ये मेरा वादा है, कलाकार भी है गायकार है, कलाकार मान्या हुआ कलाकार है राजस्थानी, अच्छा वाह जी, तो ये देखिए भाई इसीलिए तो ये भजन के रूप में कह रहा था, कलाकार है ये, नाम क्या है पूरा आपका, पूरा मेरा श्याम मारवाड़ी है सब नाम, श्याम मारवाड़ी, क्या बात है, मशहूर नाम है भाई ये तो, क्या बात है, श्याम बाबा के भक्त हो, श्याम बाबा के, पहली बार आए हो, आपको गर्दन में दर्द है, सिर में दर्द, कितने दिन से है ये, साल हो गया, एक साल, ना एक साल, तो यहाँ पर पहली बार आए हो, पहली बार आए, हाँ जी, चलो ठीक, आपके जाने माने चेहरे बैठे हैं यहाँ पर, फौजी धर्मवीर मुनाल धाम से आए हुए हैं यहाँ पर स्पेशल मिलने के लिए, और इनको साथ ले गए, क्या कहना चाहेंगे धर्मवीर जी, आपने लाइव देखा इस मरीज का, वैद्य जी का इलाज करते हुए, वैद्य जी ने,
शायद बहुत बढ़िया लगा मेरे को भी, अभी बिल्कुल चल नहीं पा रहा था तो अभी चलने लगा, ये बहुत अच्छा रिजल्ट लगा। तो मतलब ये चमत्कार सा लगा है ना? चमत्कार बहुत बढ़िया चमत्कार लगा जी ये। अच्छा। अभी बिल्कुल ये वहाँ पर बैठा था बाहर भी, इसकी मिसी साथ में थी लेकिन वो चल नहीं पा रहा था, उठा कर ले आए थे इसको, लेकिन अभी अपने सहारे से खुद चला हुआ ये, तो मैं तो पहली बार देखा है ऐसा चमत्कार। ठीक है, धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। सॉरी वो मैं भूल गया भाई, सॉरी। राम राम, आपका क्या समस्या है? लांबा साहब, कई दिन से टांग में दर्द हो रहा है, मैं भी आज इसकी सेवा लेने आया हूँ सुनील साहब की। अच्छा, आज वैद्य जी की आज पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा, तो आशा करता हूँ भाई ठीक हो। देखते हैं, आपको भी लाइव दिखाएंगे, आपकी टांग भी अड़ दर्द आड़ा रख लेंगे, टांग वापिस दे देंगे। और मुंडार धाम के भक्त जी हैं जो मान लो चेयरमैन, मान लो उसके ट्रस्ट के संचालक हैं मुंडाड़ धाम माता जी का, आप देखते हैं मुंडाड़ की भक्तणी का, तो वो यहाँ के फौजी भाई हैं धर्मवीर। तो ये एक विशेष सूचना आपको देना चाहते हैं श्री श्याम एक्यूप्रेशर के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे धर्मवीर जी आप? देखो लांबा साहब, ऐसा है जिस तरह ये लकवे के जो पेशेंट रहते हैं ना, तो यहाँ का जो मैंने अभी ये जोधपुर से आया हुआ था ये बंदा, इसका जो मैंने देखा है हिसाब किताब, तो अभी इसको उठा के ले आए थे और अभी ये बिल्कुल इसने वैद्य ने जो किया है इनका जो एक्यूप्रेशर द्वारा, तो अभी बिल्कुल ठीक चला है वो। तो हमें ये सूचना देना चाहते हैं, जिस तरह मुंडाड़ धाम है तो वहाँ जिस तरह मान ली ये इसके पेशेंट आते हैं ना, लकवे के पेशेंट आते हैं, वो मुंडाड़ की बजाय इसहार जो सुनील इसहार आ जाए या कुंगड़ा आ जाए, मुंडाड़ के पास में ही है। हाँ, मुंडाड़ के पास में कुंगड़ है, वहाँ पर पहुँचे, या इसहार है या दिल्ली के जो ये है, दिल्ली में भी कैंप लगता है जियाँ का, जींद में भी लगता है, तो ये जो लकवे के जो पेशेंट है मुंडाड़ की बजाय क्या नाम वैद्य जी के पास आए, बहुत ही बेहतर। बिल्कुल, देखिए लोग कहते हैं कि पाखंड, एक मिनट बहन जी, लोग कहते हैं कि फलाना पाखंड है, ये है, यदि इनको लोभ लालच होता तो कहते भाई सारे आ जाओ हमारे दौर, लेकिन ये कह रहे हैं कि लकवे के इस प्रकार के जो पेशेंट हैं जो हड्डी से टूट के फूट के, यानी जैसे लकवे के या पैरालाइज के, साइटिका के, ऐसे पेशेंट जो हैं वैद्य जी के पास आए, इनका कहना है कि भाई वहाँ धाम में आने की बजाय। बिल्कुल जी, बिल्कुल, यार पैरालाइज के इन्होंने रिजल्ट देखे हाथों हाथों, इसलिए कह रहे हैं। बिल्कुल जी, अभी देखा मैंने वो, उसको उठा के लाए थे तो अभी उछला है बिल्कुल, तो ऐसा रिजल्ट है। तो हम मतलब क्यों किसी को भ्रमित करें भाई, वहाँ पर टाइम खराब करने से बजाय यहाँ पर आए, अपना इलाज करवाएं। बिल्कुल, धन्यवाद जी, शुक्रिया। देखिए थानेदार साहब, चल की देख, खूब राउंड मारे उड़ता ही, खूब अच्छे से बैठ जा, बैठ डंड ना ना, बैठ के उठ के उठक बैठक बोल लिया कर जी। हाँ, एडी मिला के, हाँ ऐसे, अनबैलेंसिंग ले भाई, डंड बैठक पलना लगी है फौजी। चलो ठीक है, ज़्यादा ना, फिर मैं देख, जम्मा ढीली छोड़ दे गर्दन ना, बिल्कुल टाइट करेगी तो दर्द हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ढीली छोड़ दे, गर्दन घुमा के देख, खूब मार झटके गर्दन गई इधर उधर, खूब घुमा, पूरी ट्राई कर, होता बच रहा हो थोड़ा बहुत तो बता दी वैद नहीं पे। देखो हाथ ऊपर नीचे उठा के देखो, हाथ ऊपर उठा के देखो, ऊपर उठा लो, हाँ खूब फुल ट्राई मार, हाँ जी अब बताओ है, आराम है, आराम हो गया। अब गर्दन में कितना मतलब दर्द नहीं है? नहीं, अब सर में भी दर्द नहीं है, सर में भी दर्द नहीं, सिर में भी नहीं है, नहीं गर्दन में भी नहीं है, नहीं कंधे में भी नहीं है, पैर में नहीं है, पैर में भी नहीं है, नहीं। पहली बार आए हो? हाँ जी। क्या मिनट लाई है? बस पाँच मिनट भी नहीं लगे, पाँच मिनट भी नहीं लगे। तो आप मानते हैं वैद्य सुनील जी को इतना कि मिस है? हाँ जी मानते हैं, बढ़िया, सिर बिल्कुल हल्का हो गया,
सही है बिल्कुल। हाँ जी ठीक है। नाम क्या आपका? कविता। कविता कहाँ? उकलाना मंडी से। हाँ जी उकलाना के पास आओ गाँव से। अच्छा 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए भाई, सिर में दर्द था बहन जी को, कंधे में था, गर्दन में था, पैर में था, और अभी जो है बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और एक आध बरौर आने से मेरे ख्याल बिल्कुल कभी होगा ही नहीं।